उसकी अपनी ट्रेनिंग भी नहीं है, जो एक परमानेंट वर्कर है उसको तो फिर भी पता होता है कि गैस में, इस सीवर में इतना गैस है। तो यहाँ से ये अभियान की शुरुआत हुई और धीरे धीरे हम लोगों को एक मौका मिला वाल्मीकि समाज के बीच में जाने का, उसके काम को समझने का। क्योंकि मैं खुद भी इसी समाज से थी, दलित समाज से, तो ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को, काम को कर पाई। और उस दौरान हमने एक चीज तय की कि जिसका काम है और उनको आगे आना चाहिए और उनको अपनी लड़ाई और अपने समस्या के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोगों ने यूनियन के साथ काम शुरू किया। करीब 6-7 यूनियन जो उस समय में काम कर रहे थे एनसीडी में, दिल्ली जलबोर्ड में या एनडीएमसी में, उन सब यूनियन के साथ, जिसमें वेद प्रकाश जी हमारे साथी हैं, पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक हैं और सुशील चंद्र जी हैं, उनके साथी भी आए हुए हैं, ऐसे गाजीपुर से भी साथी थे। तो पहली बात तो हमको, जब मैंने ये बात की कि हमको गटर में नहीं उतरना चाहिए, ये ह्यूमन राइट के खिलाफ भी है, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ भी है। बाबा साहब का भी ये कहना था कि अगर हमारी पहचान किसी गंदे काम से होती है, गटर में हमारे लोग क्यों उतरे, वो एक हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। तो शायद बहुत से लोगों ने उस समय पर विरोध भी किया। हांसी जी हमारे साथ में है, उन्होंने भी एक मनोबल दिया कि नहीं, आप इस काम को हम लोग लेके चले तो डटे रहेंगे। और आज तक इस चीज को, इस सवाल को किसी ने नहीं उठाया। आजादी के 60 साल के बाद भी आज भी वो दर पीढ़ी दर इस काम को हम ही लोग कर रहे हैं। तो उसको लेके जब एक पूरा अभियान शुरू हुआ और कोर्ट में भी एक पीआईए हम लोगों ने फाइल किया, अशोक अग्रवाल जी भी उस समय थे, और कोर्ट का जो पीआईए कॉलेज के समय में के साथ हम लोग कर रहे हैं। और उसके चलते बहुत से डिसीजन हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से आए। पहला डिसीजन गुजरात हाईकोर्ट ने किया था, उसी को लेके दिल्ली हाईकोर्ट ने भी किया, फिर चेन्नई हाईकोर्ट, हिमाचल हाईकोर्ट, सभी हाईकोर्ट ने उस सारे डिसीजन को और किया। और जब कुछ जो कुछ जिनको लगता है कि नहीं, ये तो बेकार की बात कर रहे हैं, ये काम तो दलित समाज का ही है, वही करेगा, उन्होंने